नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वेस्ट इंडीज टूर के लिए जो टीम जानी थी उसका ऐलान हो चुका है। वेस्ट इंडीज की तरफ जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी रहेंगे कुछ इस प्रकार। इंडिया का स्क्वाड जो दो टेस्ट मैच के लिए चुना गया है उसमें विराट कोहली कप्तान रहेंगे, अजिंक्य रहाणे वाइस कप्तान रहेंगे। उसके अलावा मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमान विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत विकेटकीपर और दूसरे विकेटकीपर के तौर पर रिद्धिमान शाह को रखा गया है। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी एक बार फिर से टीम में शामिल करी गई है, जबकि तीसरे स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली है। और वहीं तेज गेंदबाज की बात करी जाए तो ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ये वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट टीम के लिए चुने गए हैं। इंडिया का स्क्वाड जो तीन ओडीआई के लिए चुना गया है वो इस प्रकार होगा। विराट कोहली कप्तान रहेंगे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन रहेंगे, शिखर धवन की वापसी हुई है और केएल राहुल, श्रेयस अय्यर को मौका मिला है, मनीष पांडे टीम में होंगे, ऋषभ पंत विकेटकीपर के तौर पे जाएंगे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दो स्पिनर की जोड़ी जाएगी। वहीं केदार जाधव एक स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पे जाएंगे। मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और नवदीप सैनी को तेज गेंदबाज के रूप में मौका मिला है। और जो इंडिया का T20 का स्क्वाड रहेगा वो तीन T20 का स्क्वाड वो इस प्रकार होगा। विराट कोहली कप्तान रहेंगे और जहां वाइस कैप्टन की बात आती है वहां रोहित शर्मा का नाम सामने आता है। इसके अलावा शिखर धवन और केएल राहुल एक ओपनिंग जोड़ी के तौर पे एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो केएल राहुल जो कभी भी ओपनिंग करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत जो विकेटकीपर के तौर पर गए हैं, क्रुणाल पांड्या और रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चहर और नवदीप सैनी, कुछ इस प्रकार से होगा जो T20 का वो मुकाबला होगा उसके लिए ये स्क्वाड तैयार है। तो देखा आपने, ये थी हमारी रिपोर्ट और BCCI ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विराट कोहली की टीम किस प्रकार से वेस्टइंडीज दौरे पर प्रदर्शन करती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर।